ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन के रोड शो के लिए कार्यकर्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि कार्यकर्ता बिना हर्षवर्धन के ही रोड शो के लिए निकल गए। गनीमत ये रही कि रोड शो के खत्म होने से पहले डॉक्टर साहब शो में आ गए, जिससे कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के पहुंचते ही पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोदी गुणगान करते दिखे। हर्षवर्धन जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं और उन्होंने बहुत काम किए हमारे लोकसभा में, और कम से कम 4 महीने से लगातार सुबह 6 बजे से पार्कों में संपर्क करना, डोर टू डोर जाना, मतलब कि 4 महीने से लगातार लोगों के संपर्क में है और सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी यात्रा करते हैं और उन्होंने जो जो कार्य किए हैं ना, हम पब्लिक में जा रहे हैं जी। डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने करी है जी, और एक तरफा जो मोदी जी की लहर है जी, 80-90% लोग जो है ना जी मोदी जी को जिताना चाहते हैं जी, देश में दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती है देश की जनता जी। तो टाइम तो लगता है, अब किसी ने अगर उनका स्वागत नहीं किया तो वो वर्कर नाराज हो जाएगा, तो नेता अपने उसमें बंधा होता है और इधर टाइम भी बंध गया तो थोड़ी मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब की ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके लिए कोई और मुश्किल हो, क्योंकि वो पिछले 3-4 महीनों से लगातार पार्कों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पीछे उनकी बिटिया आई तो उन्होंने भी राउंड लगाया, उनका बेटा आया उन्होंने भी राउंड लगाया और सब लोग बड़े जोर शोर से लगे हुए। 84 के दंगों पर कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के कबूलनामे के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन और जनता से उनके विचार जानने की कोशिश की तो क्या निकल कर आया, आइए जानते हैं। ये 84 के दंगे में कौन जिम्मेदार है ये तो सारे दिल्ली शहर के लोगों ने देखा था, इसके लिए किसी बयान के आने या ना आने का कोई विषय नहीं है, ये किसी बयान का मोहताज नहीं है, सारी दिल्ली जानती है कि कांग्रेस जो है वो 84 के दंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अब तो कांग्रेस के जो नेता है उनको आप जानते हैं कि कोर्ट में पनिशमेंट्स भी होनी शुरू हो गई है। ये वही अमरिंदर सिंह है जिन्होंने सिख दंगों के बाद इस्तीफा भी दिया था और वापिस आ गए थे, और ये हिंदुस्तान की पूरी जनता जानती है कि सिखों के दंगे कांग्रेस ने किए थे, और आज भी कांग्रेस के नेता खुले घूम रहे हैं। हालांकि जब से मोदी जी सरकार ने SIT बनाई है तो सज्जन कुमार जैसे नेता एक एक करके उनको बंद किया जा रहा है, तो सिखों के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया था और ये कलंक उनके माथे से कभी मिट नहीं सकता। निश्चित रूप से इस बात से कोई अछूता नहीं है, जनता सबको जानती है, 84 का दंगा हो या फिर आज कोई भी विषय हो, आज जनता इस विकास को भी जानती है, मोदी जी के काम को भी जानती है, और जो कांग्रेस ने करा है, पूर्व में विपक्ष ने जो किया है, वो हादसे का जो विषय आज उन पर बना हुआ है वो अपना हाल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो देश के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी जो समुदाय के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो इसीलिए इसी का कारण है। बता दें कि बीजेपी की इस रैली में BMS के कार्यकर्ता भी शामिल हुए जिन्होंने पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का दावा किया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो डॉक्टर साहब का साथ देने के लिए दूसरे राज्यों से यहां पहुंचे थे। BMS ये चाहती है कि ऐसी संवेदनशील सरकार जो जनता के सामर्थ्य को बढ़ाने में लगी है और मजदूरों के, श्रमिकों के जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है उसको भी जागृत किया है, देश में पहली बार एक ऐसा वातावरण बना है कि जो हमारे स्वाभिमान को जगाने वाला बना है, हमारे सामर्थ्य को जगाने वाला है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और चाहे दुश्मन के दांत खट्टे करने के प्रमाणिक प्रमाण जो अभिनंदन की वापसी हुई, इसने देश का गौरव बढ़ाया। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो देश का गौरव बढ़ाने वाली आई हो इसको आना चाहिए, क्योंकि हमने महसूस किया है कि करवट बदल रहा है, देखो भारत का इतिहास जाग रहा है हिंदू हृदय में विश्व विजयी विश्वास। हमारे यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी भारी मतों से विजयी होंगे, और जो हमारे मोदी जी ने काम करा है वो और किसी ने काम नहीं करा, काफी भारी मतों से डॉक्टर साहब यहाँ से जीतेंगे। हर्षवर्धन के समर्थन के लिए केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी पहुंची थी, मोदी जी द्वारा किए गए महिलाओं संबंधी कामों की सराहना करती दिखी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनकी बहुत अच्छी छवि है, मोदी जी की छवि के साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बहुत अच्छी छवि है, और बहुत भारी मतों से वो जीतेंगे। पिछली बार भी हमारी विधानसभा में बहुत मतों 19,000 मतों से जीते थे, 10,000 मतों से हमारे क्षेत्र से जीते, हमारे वार्ड से, और इस बार उससे भी ज़्यादा मतों से हम अपने क्षेत्र से जिताएंगे उनको। महिला मजबूत हुई है क्यों, उनकी जो भी मोदी जी ने योजना करी है उनके लिए, उज्ज्वला योजना, कई योजनाओं का उनको लाभ मिला है, तो महिला को हम ज़्यादा के बताते हैं कि मोदी जी ने ये आपके लिए योजना बनाई, तो महिला मजबूत है, वो मोदी जी को लाना चाहते हैं।
कि महिला भी जो है वो कहीं ना कहीं जहां घर को चलाती है, क्षेत्र को चलाती है, समाज को चलाती है, वहां कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की भी चिंता करती है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है और सारी महिलाएं राष्ट्रवाद के लिए बाहर निकल कर आई हैं। आपको प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इतनी देर से हम डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा हम सबके दिलों में है और हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ का क्षेत्र आपको आने वाली 23 मई को अच्छे से जवाब देगी। धन्यवाद। बहरहाल चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन अब आने वाली 23 मई को ये साफ हो जाएगा कि आखिर जनता का दिल किसके लिए धड़कता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर